हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे यू विल नेवर फाइंड टाइम यू हैव टू मेक टाइम नेचर का ये लो है जहाँ पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो उतना ही आपको आउटकम मिलता है अगर आपका मैक्सिमम टाइम फियर इनसिक्योरिटी और ओवरथिंकिंग में जा रहा है तो आपको आउटकम भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा आज के सेशन में हम आई ए के मैकेनिकल टेक्निकल पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं बेसिकली फ्लूड मैकेनिक्स से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन सुन रहे हैं इस लिस्ट में मैंने सारे जो सब्जेक्ट्स का एनालिसिस किए कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं फर्स्ट था फ्लूड मैके जिससे 21 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे देन सेकंड था पावर प्लांट 18 रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आप यहां पे एनालिसिस कर सकते हैं अब आते हैं अपने वीडियो की तरफ फर्स्ट जो क्वेश्चन है फ्लूड मैकेनिक से ए स्टोन वेट फोर न्यूटन इन एयर वेंड वेन इमर्ज इन वाटर इट वेट टू न्यूटन इफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द वॉटर इज नाइन न्यूटन पर मीटर क्यूब द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्टोन विल बी नियरली अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया जब वो स्टोन एयर में था तो उसका वेट कितना 400 न्यूटन ये क्या रिप्रेजेंट करेगा रो जी वी ऑफ द ऑब्जेक्ट या स्टोन देन नेक्स्ट जब वो स्टोन वाटर में है तब तो उसका जो वेट है 225 न्यूटन है अपरेंट वेट की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे 400 हंड्रेड माइनस टू न्यूटन ये जो अपरेंट वेट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा रो ऑफ द फ्लूड मल्टीप्लाई विद जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लू रिलेटिव डेंसिटी इन दोनों का रेशो जाएगी फोर हंड्रेड वन में वन सेवेंटी करेक्ट ऑप्शन D. The next question is question number second. A flat plate 0.1 meter square area is pulled at 30 centimeter per second relative to another plate located at a distance of 0.01 centimeter from it. द फ्लूड सेपरेटिंग डैम बींग वॉटर विद विस्कोसिटी ऑफ पॉइंट जीरो जीरो वन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर द पॉवर रिक्वायर टू मैंटेन वेलोसिटी विल भी अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन है कि दो प्लेट है जो एक दूसरे से पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है इन दोनों के बीच में जो फ्लूड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी डायनेमिक डेंसिटी की वैल्यू आप विस्कोसिटी की वैल्यू आपको गिवन है तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है पावर पावर क्या हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी फोर्स को शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाई विद एरिया लिख सकते हैं शेयर स्ट्रेस के Value, की वैल्यू विस्कोसिटी की टर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे म्यू इनटू डी यू अपॉन में डीवाई वाई डी यू क्या हो जाएगा वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा थर्टी सेंटीमीटर पर सेकेंड है हम इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे और डीवाई जो होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा जितनी भी यूनिट्स हैं आप सभी को मीटर में मीटर में चेंज कर देंगे सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे फॉर्मूले में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पॉइंट जीरो दे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन द प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज फॉम थ्री मेगा न्यूट्रन पर मीटर स्क्वायर टू सिक्स मेगा न्यूट्रन पर मीटर स्क्वायर इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय पॉइंट वन परसेंटेज द वर्क मॉडुलर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लिक्विड विल भी अब वर्ल्क मॉड्यूल्स की वैल्यू पूछिए वो क्या होता है माइनस वी डी पी अपन में डी वी यहाँ पर जो पूछा गया कि वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय पॉइंट वन परसेंटेज तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा डी वी बाय वी सारी वैल्यूज जो है हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थ्री मल्टीप्लाईविथ टेन की पावर नाइन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ ए कर्व डेट इज एवरी वेयर टेंजेंट टू द इंस्टेंटेनियस लोकल वेलोसिटी वैक्टर इज ऑप्शन से ऑप्शन ए स्ट्रीक लाइन ऑप्शन बी पाथ लाइन ऑप्शन सी नॉर्मल लाइन एंड ऑप्शन डी स्ट्रीम लाइन स्ट्रीक लाइन क्या होता है इंस्टेंटेनियस पिक्चर होती है किसी भी फ्लोइंग फ्लूड की एक फिक्स पोजिशन के अराउंड पाथ लाइन क्या करता है फ्लोइंग फ्लूड का ट्रेस रिप्रेजेंट करता है अगर एक किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जितने भी फ्लूड पार्टिकल्स हैं उनका ट्रेस रिप्रेजेंट करेगा देन स्ट्रीम लाइन क्या होती है एक इमेजनरी कर्व ड्रॉ की जाती है किसी भी फ्लोइंग फ्लूड की जो कि जिसका किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है वो उस फ्लूड पार्टिकल्स का वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्ट्रीम लाइन Next question, question number 5. A 125 mm diameter jet of water is discharging from a nozzle into the air at a velocity of 40 meter per second. The power in the jet with respect to a data made the jet will be क्वेश्चन में हमसे पावर की वैल्यू पूछी गई है पावर इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू एम वी स्क्वायर अब मास की वैल्यू तो आपको गिवन नहीं है मास कैसे कैलकुलेट करेंगे रो इंटू ए इंटू वी डेंसिटी जो होगी वो वाटर की डेंसिटी हमें यहाँ पे लेनी है एरिया ऑफ जेट कैलकुलेट कर देंगे और वेलोसिटी हमें गिवन ही है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थ्री सिक्सटी किलोवॉट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग एप्लीकेशन रिगार्डिंग नेवी रिस्ट्रोक्स इक्वेशन आर करेक्ट Statement 1st, laminar unidirectional flow between stationary parallel plate. 2nd, laminar unidirectional flow between parallel plates having no relative motion. 3rd, laminar flow in circuit pipes. And 4th, laminar flow between concentric rotating cylinder. ऑप्शन से ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ओनली ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ओनली एंड ऑप्शन डी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली दे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंथ ए क्रूड ऑयल हैविंग एन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पॉइंट नाइन फ्लोज थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर पॉइंट वन फाइव मीटर एट द रेट ऑफ एट लीटर पर सेकेंड इफ़ द वैल्यू वैल्यू ऑफ म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी इज पॉइंट थ्री न्यूट्रन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर द रेनोल्ड्स नंबर विल बी नियरली अब रेनोल्ड्स नंबर की वैल्यू पूछी गई है वो होती है रो वी डी अपॉन में म्यू वेलोसिटी आप कैसे फाइंड आउट करोगे डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन है डिस्चार्ज अपॉन में एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी सारी वैल्यूज़ वेलोस पुट कर देंगे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टू जीरो फाइव next question question number 8 two pipes of length to 500 meter each and diameter 80 centimeter and 60 centimeter respectively are connected in parallel the coefficient of friction for each pipe is 0 0.006 and the total flow is 250 liter per second the rate of flow in pipes are nearly क्वेश्चन में गीवन है कि जो कनेक्शन है वो पैलर कनेक्शन है पाइप्स का पैलर के केस में क्या होगा जो टोटल डिस्चार्ज हो जाएगा वो इक्वल होगा क्यू वन प्लस क्यू टू आपको गीवन है टू फिफ्टी लीटर पर सेकेंड हम उसे मीटर क्यूब पर सेकेंड में चेंज कर देंगे तो वो हो जाएगा पॉइंट टू फाइव और एच एफ की जो वैल्यू होती है मतलब हेड लॉस क्या होता है वो इक्वल रहेगा अब हमें क्या करना है कि हेड लॉस को क्यू की टर्म में चेंज करना है मतलब हेड लॉस की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं फोर एफ एल वी स्क्वायर अपॉनमेंट टू जी डी अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम वी को किस में चेंज कर क्यू में तो वो क्या हो जाएगा क्या होगा तो क्यू अपन तो हो मतलब डी वन की पावर फाइव एच एफ वन इक्वल कर देंगे एच एफ टू के करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्यू वन की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट हो जाएगी पॉइंट वन सेवन मीटर के ऊपर सेकेंड एंड क्यू टू की पॉइंट वन मीटर क्यूब पर सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ ए फ्लूड ऑफ मास डेंसिटी वन सेवन नाइन जीरो किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंडकोसिटी टू पॉइंट वन न्यूट्रन सेकंड पर मीटर स्क्वायर फ्लोज एट ए वेलोसिटी ऑफ थ्री मीटर पर सेकेंड इन ए सिक्स सेंटीमीटर डायमीटर पाइप द हेड लॉस ओवर ए लेंथ ऑफ ट्वेल्व मीटर पाइप विल बी नियरली अब हेड लॉस कैलकुलेट करने से पहले हम इसका रेनोल्ड्स नंबर कैलकुलेट कर लेंगे आप सभी को बताएं रेनोल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या होती है रो वी डी अपॉन में म्यू अगर इसका रेनोल्ड्स नंबर तेईस सौ से कम आता है मतलब जो फ्लो है वो क्या है लेमिनार है लेमिनार फ्लो के केस में जो हेड लॉस है वो क्या होगा एच एफ की वैल्यू इक्वल हो जाएगी थर्टी टू म्यू वी एल अपॉन में रो जी डी स्क्वायर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थर्टी एट पॉइंट फाइव मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेंथ विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग फ्लूड काइनेमेटिक्स इज करेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टीम लाइन रिप्रेजेंट एन इमेजनरी कर्व इन द फ्लो फील्ड सो डेट द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द पॉइंट ये तो स्टीम लाइन की डेफिनेशन हो गई सेकेंड है पाथ लाइन स्टीम लाइन एंड स्ट्रीट लाइन आर आइडेंटिकल इन स्टडी फ्लो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवंथ To maintain 0.08 meter cube per second flow of petrol with a specific gravity of 0.7 through a steel pipe of 0.3 meter diameter and 800 meter length. विद कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ पॉइंट जीरो जीरो टू फाइव इन डेड सी रिलेशन द पावर इक्वायर्ड विल बी नियरली अब हमसे पावर की वैल्यू पूछी गई है पावर इक्वल हो जाएगा रो जी क्यू एच एफ अब हेड लॉस कैसे के कैलकुलेट करेंगे फोर एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन में ट्वेल्व पॉइंट फाइव डी की पावर फाइव सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूले में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वन किलो वॉट दे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ फॉर फुल्ली डेवलप्ड लेमिनार पाइप फ्लो द एवरेज वेलोसिटी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वन हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइड्रोलिक पंप्स आर करेक्ट फर्स्ट द गियर पंप कंसिस्ट ऑफ टू क्लोज मैशिंग गियर व्हील्स विच रोटेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन सेकेंड इन वैन पंप इज द रोटर रोटेट्स द वेन्स फॉलोज द कंट्रोल्स ऑफ द कैसिंग थर्ड लीकेज इज मोर इन वैन पंप कंपेयर टू गियर पंप थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है जो वैन पाइप की जो एफिशिएंसी होती है वो गियर पंप से ज़्यादा होती है मतलब जो लीकेज होगा वो किस में ज़्यादा होगा गियर पंप में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली क्वेश्चन नंबर फोर्टीनथ ए डक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 600 हंड्रेड एम एम मल्टीप्लाई विथ फोर हंड्रेड एम एम केर इज नाइन्टी मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ एयर हैविंग डेंसिटी ऑफ वन पॉइंट टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब वैन द क्वान्टिटी ऑफ एयर इन बोथ केसेस सेम द इक्वलेंट डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर डक्ट विल बी अब यहाँ पे एरिया किसका गिवन है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन गिवन है और हमें एरिया किसका कैलकुलेट करना है एक सर्कुलर डक्ट का जिसका इक्वल डायमीटर हो मतलब वो इतनी मतलब डिस्चार्ज उतना ही दे जितना रेक्टेंगुलर देना है सिंपल सा चीज़ हम क्या करेंगे ए वन इक्वल कर देंगे ए टू का ए वन आपको गिवन है पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई विथ पॉइंट फाइव फोर मल्टीप्लाई इसको इक्वल कर दो पाई बाई फोर डी स्क्वायर से यहाँ पर डी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पॉइंट फाइव फोर मीटर द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन व्हाइल डिजाइनिंग ए पेल्टन व्हील टरबाइन, द वेलोसिटी ऑफ व्हील यू इज अब वेलोसिटी की किस वैल्यू क्या होगी यू की वैल्यू होती है के रूट में टू जी एच करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द टर्वाइाइंस ऑफ द सेम शेप विल द सेम का ऑप्शन से ऑप्शन है थॉमस नंबर ऑप्शन बी रेनॉल्ड्स नंबर ऑप्शन सी स्पेसिफिक स्पीड एंड ऑप्शन डी रोटेशनल स्पीड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पेसिफिक स्पीड अब टर्बाइन के केस में स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्पीड वो स्पीड होती है जहाँ पे जो टर्बाइन है वो यूनिट हेड में यूनिट पावर प्रोड्यूस करे तो वो क्या ऑप्शन किसके लिए सेम होता है सभी टर्बाइन के लिए सेम होती है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन a centrifugal pump is required to lift 0 0.0125 meter cube per second of water from a well with depth 30 meter if rating of the pump motor is 5 kilo 5 kilowatt and the density of water is 1000 kilogram per meter cube the efficiency of pump will be nearly क्वेश्चन में आपको जो मोटर पंप की उसकी रेटिंग पावर की कितनी गिवन है फाइव किलोवाट और यहाँ पे एक्चुअल डिस्चार्ज वो कितना दे रहा है पॉइंट जीरो वन टू फाइव मीटर क्यूब एंड इसकी डेप्थ एच एफ की वैल्यू गिवन है थर्टी मीटर तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक्चुअल जो पावर प्रोड्यूसर है वो वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे रो जी क्यू एच एफ से सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है और उसे कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड जो पावर है उससे फाइव किलो वोट तो यहाँ पे इक्वेशन जो फॉमूला बनेगा वो होगा रोजी क्यू एच एफ अपॉन में फाइव किलोवोट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेवेंटी फोर परसेंटेज दे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटीन द प्रोसेस ऑफ एब्सट्रेक्टिंग स्टीम एट ए सर्टेन सेक्शन ऑफ द पट्टर एंड सब्सिक्वेंटली यूजिंग इट फॉर हीटिंग फीड वाटर सप्लाई टू द बॉयलर इज कोल्ड ऑप्शन से ऑप्शन है रीहीटिंग बी रीजनरेशन सी ब्लीडिंग एंड डी बाइनरी वेपर साइकिल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रीजनरेशन दे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वेन ब्लेड स्पीड रेशियो इज जीरो नो वर्क इज डन बिकॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लेड इज़ जीरो इवन इफ द टॉर्क ऑन द ब्लेड ऑप्शन ऑप्शन है इज मैक् मिनिमम ऑप्शन बी इज जीरो ऑप्शन सी इज मैक्सिमम एंड ऑप्शन डी रिमेन्स द सेम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज Then last question, question number twenty. A steam injector which removes air and and other non-condensable gases from the condenser is known as options, option A. Wet air pump, option B, dry air pump, option C centrifugal pump, and option D circulating pump. Correct option, also, option number A, wet air pump. थैंक यू गाइज़ फॉर दिस वीडियो ऑलवेज रिमेंबर इफ़ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव ड्यूरिंग नेगेटिव टाइम्स यू हैव ऑलरेडी ऑन अगर आप अपने जितने भी डाइवर्स कंडीशंस में भी अगर पॉजिटिव सोच पा रहे हैं तो आप पहले से ही जीत चुके हैं